अगदार पंचायत के नाहलवी गांव में अनूप कुमार कश्यप शाम को जबलपुर जैसे ही पहुंचा, परिवार सहित इलाकावासी गमगीन हो गए। अनूप कुमार की पत्नी कमलेश व दो मासूम बेटियों के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। आज ही अनूप कुमार का दाह संस्कार कर दिया गया। गांववासियों का कहना है कि चार दिन पहले प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। दोनों बेटियां आकांक्षा व अनन्या ने पिता को मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि अनूप कुमार पुत्र सुरजीत सिंह उम्र 42 साल का हार्ट अटैक से जबलपुर देहांत हो गया था। 21 तारीख रविवार के दिन परिवार को सूचना दी गई थी अनूप पटियाल की जबलपुर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। अनूप कुमार 12 जैक राइफल पल्टून में हवलदार के पद पर तैनात थे। इस माह 30 जून के दिन अनूप कुमार फौज से रिटायर होकर अपने घर नालवी आ रहा था और परिवार के सदस्य माता पिता भाई व अनूप की पत्नी कमलेश कुमारी घर पर ही रिटायर उत्सव मनाने का सारा कार्यक्रम संपन्न कर रहे थे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अनूप अपने पीछे अपनी पत्नी कमलेश कुमारी, दो बेटियां आकांक्षा व अनन्या, माता शकुंतला, पिता सुरजीत सिंह, भाई चंद्रशेखर को छोड़ गया है। प्रशासन की तरफ से हमीरपुर तहसीलदार राजीव ठाकुर इस दौरान उपस्थित रहे। हम 4-5 दिनों से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी नहीं आया, किसी ने हमारी सुध नहीं ली। आर्मी से बहमा से फोन आते रहे, आज डेड बॉडी आ रही, कल आ रही, बस ऐसे ही मिल किया गया। और 5 दिनों से मतलब इन्होंने खाना नहीं, परिवार का बहुत बुरा हाल है, माता का बहुत बुरा हाल है, अब खाना तक नहीं खाए, उनको जबरदस्ती से उन नशे की दवाई दे रहे हैं। तो ये हमारी ये प्रार्थना है कि जो प्रशासन है कम से कम वो क्यों सोया है। अगर आर्मी में ऐसा हो रहा तो ऐसे लोगों को क्या होगा, आम लोगों को तो मुश्किल हो जाएगा। ना कोई प्रशासन का आया, ना हमारे कोई विधायक का आया, यहाँ आज 5 दिन तक कोई पहुंचा नहीं। तो बड़ी अफसोस की बात है ये।